हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ कब्जा और आप लोग को स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल कली कथा में। गाइस, खाना खाना सबको पसंद है, बट खाना बनाना इतना इजी किसी को नहीं लगता। बट आपका अगर प्रोसेस इजी है, सिंपल है, एक तरीका होता है, अगर आपको वो पता है तो खाना बनाना आपको भी इजी लगेगा। तो चलिए आज कुछ ऐसा ही कुछ इजी सिंपल खाना बनाते हैं, जो कि उड़ीसा का बहुत फेमस डिश है। इसका नाम माछो बेसरा है। तो बेसरा जो कि एक मस्टर्ड ग्रेवी है, तो इसमें अगर आप एक डिफरेंट टेस्ट का डिफरेंट फ्लेवर देना चाहते हैं तो ये डिश जरूर ट्राई कीजिए। एंड आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंडिंग देखिए एंड आप कमेंट बस में कमेंट कीजिए कि आपको ये डिश बनाने के बाद और देखने के बाद कैसा लगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे ली हूँ रोहू फिश, जिसको ऑलरेडी मैं मैरिनेट करके रखी हूँ हल्दी और नमक के साथ। एंड यहाँ पे हमारे वो बेसर का पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा राई, जीरा एंड ये गार्लिक, एंड उसको मैं ऑलरेडी भिगो के रखी हूँ। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 आलू, 1 टमाटर और 1 प्याज। तो मसाले के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी, पंचफूरन, रेड चिली पाउडर, नमक एंड गरम मसाला। मैं यहाँ पे ये मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। तो चलिए हम अभी ये मस्टर्ड का पेस्ट बनाते हैं। तो अभी जो ऑलरेडी मैं भिगो के रखी थी 15 मिनट या 20 मिनट तक, उसको हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राइंडिंग हो भी गया है। तो एक चलिए कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं एंड अच्छे से मछली को फ्राई कर लेते हैं कुछ देर के लिए। मैं ज़्यादा टाइम तक इसको फ्राई नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं ली हूँ ये रोहू का पेस्ट, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे, ये बहुत इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी हमारा मस्टर्ड पेस्ट बनके तैयार है एंड ये फिश भी अभी फ्राई हो भी गया है। तो अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फिश रेडी है। तो मैं ये कढ़ाई पर, हाँ, आलू भी हम लोग लिए थे तो अभी आलू को थोड़ा सा भी फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट तक बस पका लीजिए उसको, क्योंकि आलू का एक बेटर टेस्ट आएगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। अभी उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे पंचफूरन डाल रही हूँ और एक रेड चिली का, एंड यहाँ पे जो हमने रखी थी ये कड़ी पत्ता, तो उससे बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो प्याज डाल दीजिए अभी। अभी टमाटर डाल दीजिए और टमाटर को अच्छे से फ्राई करने के बाद आप मस्टर्ड पेस्ट को डाल दीजिए। एंड इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं तो प्याज अच्छे से घुल मिल जाता है। एंड ये जो मस्टर्ड पेस्ट है, आप इसको ज़्यादा देर मत पकाइए, तो ज़्यादा देर पकाने से कड़वा लगता है एक्चुअली। तो अभी चलिए इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के, एंड यहाँ पे मैं हल्दी एंड ये जो है चिली पाउडर रखी थी उसको मैं डाल रही हूँ। तो अभी एटलीस्ट 5 मिनट के बाद हम लोग ये पानी डाल देंगे एंड थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें आलू भी डाल देंगे। एंड आप नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। एंड ये हमारा आलू और ये जो मसाला है उसको पकने के लिए हम 5 to 10 मिनट इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो फिश है उसको भी डाल देंगे। तो ये जो टोटल कंप्लीट प्रोसेस है कि विद इन लाइक 15 to 20 मिनट के अंदर ही है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड ये बहुत ईजी प्रोसेस है। एंड ये जो हम लोग फ्लेवर के लिए डाले थे कड़ी पत्ता उसका और ये मस्टर्ड ग्रेवी का पेस्ट, उसके कम्बिनेशन बहुत सही है, आपको अच्छा भी लगेगा। एंड अभी चलिए आप घर पर बनाइए ऐसा खाना। ये देखिए हमारा बन के अभी पूरा रेडी है। तो आप मुझे घर पर बनाइए एंड बताइए कैसा लग रहा है, एंड फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और ये बहुत इजी प्रोसेस है। एंड ये मस्टर्ड ग्रेवी बनाने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे जीरा, मस्टर्ड सीड, एक गार्लिक एंड रेड चिली मैं ली हूँ। एंड ये घर पे आप बनाइए एंड मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या है क्या नहीं करके। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोज़।